सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के एफकैट के बैच में। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। अपनी रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी और आज हम बात करेंगे वहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करने को लेकर के। एक टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरू करना है और धीरे धीरे करके कैसे हमें अपने सिलेबस की तरफ बढ़ना है। एंड यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ, मार्क्स मैं ये कहूंगा कि आप 100% लाइए, लेकिन सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से देखना है, उस हिसाब से उन चीजों को पढ़ना है कि आपके नंबर भी आए पूरे पूरे और आपको लगे भी ना कि आपने कुछ इस हिसाब से कोई बहुत बड़ी मेहनत करी है। तो आज हमारा जो टॉपिक वन है, उस वन का नाम है वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप ये कहते हो, सॉरी आई थिंक ये लोगों से फंस रहा होगा, यहाँ पे वॉइस वाइस आई थिंक क्लियर आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार हाँ बोल दो भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक, सो टॉपिक हमारा नाम है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। मैं यूं कहूंगा एक सस्ता टॉपिक है। सस्ता बोले तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सस्ता बोले तो इस प्रकार से है कि आप इसमें नंबर पूरे में पूरे ला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर लास्ट क्लास यानी कल की क्लास अगर मेरी आपको याद हो तो वहां पे एक बात मैंने बोली थी कि वेन डायग्राम भी आपको फंसा सकता है। कहां पर फंसा सकता है? जहां पर वो क्वेश्चन देगा आपको रिलेशन वाले, यानी जहां पर वो क्वेश्चन आपको देगा कौन से रिलेशनशिप टाइप के। तो हमारा जो पूरा पूरा फंडा है, पूरा पूरा जो मोटो है, वो इस चीज को डिस्कस करना है। लेकिन इस चीज के हम तीन क्लासेस रखेंगे। तीन क्लासेस में हम लास्ट क्लास में इस चीज के ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ये चीजें आपसे पूछी जाएं तो आप फंसो ना यहां पर। ठीक है भाई, तो आई थिंक सब चीजें क्लियर हैं। चलो एक छोटे से सवाल के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और वो छोटा सा सवाल ये है, ये मत समझना कि कौन इतना टाइप करे मैं जवाब नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू मीन बाय वेन डायग्राम? वेन डायग्राम का मतलब क्या है भाई? वेन डायग्राम स्टैंड फॉर व्हाट? अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज वेन डायग्राम, तो कहां से वेन डायग्राम के 70 क्वेश्चन लगा करके भी ये नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज वेन डायग्राम। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सिंपल पहला सा क्वेश्चन, एक छोटा सा बहुत बेसिक सा। अब कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेम ऑफ द टॉपिक, भाई उस टॉपिक के नाम से आप क्या समझते हो। तो सौरभ बोल रहे हैं कलर, कलर मींस व्हाट? क्वेश्चन है सिंपल सा भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेन डायग्राम? अपनी लैंग्वेज में बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, उर्दू में बताओ, बाकी चौथी या तीन में। तो आंसर बताओ जरा, व्हाट डू यू मीन बाई वेन डायग्राम? एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर क्लास शुरू करते हैं। जितना शॉर्ट में बता पाओ उतना शॉर्ट बताओ, लेकिन बताओ जरूर। और क्लास में मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं हर बार आपसे सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा तो उसका ही मतलब पूछूंगा, ऑर्डर रैंकिंग का मतलब पूछूंगा, ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के रिलेशन होते हैं ये भी पूछूंगा। ये वो सारी बातें हैं, जब तक आप नहीं इसका जवाब दोगे आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे कि आपको ये चीजें आती हैं। ठीक, और एक बात और मैं बता दूं, वेन डायग्राम कभी डायरेक्टली आपके बुक में नहीं दिया होता, ये एक और नाम से दिया होता है। वो नाम भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो, तो वेन डायग्राम आई थिंक किसी ने नहीं बताया, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। आप इससे इतना बता देना हाँ या ना बोल के कि आप मेरी डेफिनेशन से सहमति रखते हो या नहीं। आर यू सेटिस्फाइड विद माई डेफिनेशन और नॉट? फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम इज, वेन डायग्राम व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम? अच्छा, किसी ने जवाब दिया नो, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो अब सोचते हैं, आज सोचते हैं। उमेश आनंद ने आंसर दिया है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन और रिलेशनशिप ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अच्छा, एक आंसर और आया है सौरभ जी का, अ वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट। दीज डायग्राम डिपिक्ट एलिमेंट एज पॉइंट इन द प्लेस एंड सेट्स ऑफ रीजन इन साइट। क्या बात है यार, बहुत टेक्निकल जवाब है। रितेश शर्मा ने बोला है सिलॉजिज्म, सौरभ ने बोला है वेन रेक, वेन आर रेक होता है सौरभ भाई। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन एक बताता हूँ, किताबी नहीं है, खुद से बनाई है, लेकिन 100% काम कर जाती है। ठीक है, अपने को यही चाहिए जो काम कर जाए, ज्यादा नहीं। वेन डायग्राम इज वॉट? नाउ इफ वी शो, हम बात किसी कर रहे हैं शो की, इफ वी शो यानी शो कह लो या फिर आप कह लो रिप्रेजेंट, दिखाना किसी को,
करना नहीं, दिखाना, ये सब इमेजिनरी काम है। आप रियल में गोला लेकर के नहीं टहलते हो, एक गोले में आम रख देते हो, एक गोले में कई सारे फल रख देते हो, फिर उसके बीच में आम रख करके, ऐसा कुछ नहीं। ये सब चीजें यहां से, एफकैट की पूरी रीजनिंग दो भागों पर डिपेंड करती है, 90% यहां पे, 10% यहां पे, बाकी और कुछ नहीं है। देख के अंतर पहचानो, ना पहचान पा रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थर्ड थिंग कुछ भी नहीं होती। सो वेन डायग्राम इज वॉट, वेन वी शो और वेन वी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। नाउ व्हाट वी आर शोइंग, वी आर शोइंग रिलेशनशिप, यार इंक है, वी आर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, देन वी कॉल्ड इट अ वेन डायग्राम। नाउ व्हाट इज अ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इज अ मेथड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें एक चीज और है, वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ सर्कल या ओवल कह लो या स्फेयर कह लो, जो मर्जी आए वो कह लो। अब इसको मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूं। सर आपकी क्लास डेली लगती है? आरती मेरी क्लास लगती है 2:30 से 3 एफ कैट के बैच में, और 5 से 6 जिसमें आज मैं सिलोजिज्म शुरू करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल लॉजिक। हाँ मुकुल देखो इतना टफ होने की जरूरत नहीं है, सिंपल, अभी हर चीजों को आप सिंपल रखो, कुछ याद वाद नहीं करना है, सिर्फ यहां से चीजें समझ में आनी चाहिए, वो बिल्कुल आएंगी, मैं समझाऊंगा कैसे नहीं आएगी। वेन डायग्राम क्या करता है, शो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप कितना, टू या दो से अधिक एलिमेंट के बीच में, विद द हेल्प ऑफ सर्किल ओवल स्फेयर, कुछ भी ऐसा हो जो गोल हो, चाहे कद्दू ही ले लो तुम, ठीक, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं अब हम हिंदी में, अगर मैं इसको बोलूं तो वेन आरेख क्या है, वेन आरेख जब हम किसी दो या दो से अधिक तत्वों का संबंध दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं वृत्त की सहायता से या कोई भी गोलाकार वस्तु की सहायता से, तो हम उसे वेन आरेख कहते हैं। ये हिंदी इसकी डेफिनेशन हो गई, इस बात से मानते हो तुम? हाँ CDS की भी है प्रशांत भाई, ठीक है, तो ये बात तो आप लोग मानते हो, लेकिन इसी में आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, और अब मैं आपको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा, मतलब ये समझ लेना बिल्कुल बहुत डीप तरीके से पढ़ाऊंगा, तो हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने एक बात ये सोची कि यार देखो सर्कल से ओवल से स्फेयर से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी वेन डायग्राम में हमको इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों देखने को मिलते हैं, ये बताओ, कभी कभी वेन डायग्राम में हमको इस प्रकार से क्वेश्चन क्यों देखने को मिलते हैं, चाहे जिसकी कहो उसकी जिस किसी से भी कहो उससे हम पूछ लें, न ये सर्किल है न ये सर्किल है, तो ये डेफिनेशन ही गलत हो गई, गलत हो गई ना भाई, ऐसा क्यों होता है, फिर ऐसा क्यों दिया जाता है, ये बताओ जरा जल्दी बताओ। देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दो, क्वेश्चन उससे कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझ में ऐसे ही आएगा तुमको, जल्दी से आंसर दो। अगर वेन डायग्राम खुद अपनी किताब में ये बात लिखता है कि विद द हेल्प ऑफ सर्किल स्फेयर और एनी ओवल टाइप क्रिएचर, देन व्हाई द हेल ही शोइंग इज रिलेशनशिप बाय इट्स दिस टाइप ऑफ फिगर्स, वी कांट कंसीडर इट अ सर्किल, वी कांट कंसीडर दिस अ सर्किल, देन व्हाई। गुरुजी प्रणाम, खुश रहो भैया, कौन नाम है, देसी पार्लियामेंट, जवाब दो भाई जल्दी जल्दी जवाब दो। अच्छा जितने भी एफ कैट के लोग हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें कि रीजनिंग की क्लास शुरू हो गई है, एफ कैट को लेकर के शुरू हो गई है, टारगेट 100% है, ये मत समझना कि बीच में ऐसा कुछ छोड़ छाड़ दूंगा जो आपको नहीं क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा, और नहीं क्लियर हो कम्युनिकेट मी वाया कमेंट और वाया एनीथिंग। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर एक फिगर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। साईं विश्वनाथ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, तब वो अपनी डेफिनेशन में ये चीजें क्यों लिखते हैं, चलो यहां पे मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं, मैं खुद ही बताता हूं। अगर वो कहते हैं कि हम सर्किल ओवल स्फेयर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इस चीजों से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का पूरा नाम वेन डायग्राम होता ही नहीं है, इस टॉपिक का पूरा नाम होता है, अब आप लोग कनेक्ट करोगे मेरे साथ, इस टॉपिक का पूरा नाम होता है हाँ या ना बोलो जल्दी से, इस टॉपिक का पूरा नाम क्या होता है भैया, लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या नाम होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम। और जो लोग मुझसे लॉजिकल रीजनिंग पढ़े हैं, अगर वो यहां पे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल छोटा सा पूछूंगा कि भाई लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो वो सिंपल सी एक बात कहेंगे, जो अंग्रेजी के वाले हैं वो ये समझे, लॉजिक स्टैंड्स फॉर इन्फरेंस, अभी जब लॉजिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा,
लॉजिक स्टैंड फॉर इन्फरेंस, और जो हिंदी वाले हैं वो इस बात को समझें कि लॉजिक का अर्थ होता है अनुमान, और कोई अनुमान भी ना समझ पाता है तो ये समझ लो लॉजिक का अर्थ होता है मान लेना। तो हम मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल और ये स्क्वायर क्या है हमारे, ये ट्राइंगल और स्क्वायर भी हमारे या तो सर्किल है या तो ओवल है या तो स्फीयर है। डेफिनेशन और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हाँ बोल दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस कराना इतना जरूरी नहीं जितना ये बातें आपको समझानी जरूरी थी। अब जीवन में कभी ये मत कंफ्यूज होना कि वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, और कल को कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी, अच्छा ये सब वेन डायग्राम नहीं होते हैं क्या, तो बता देना भैया टॉपिक जरा एक बार चश्मा लगा के पढ़ लो, वहां पे लिखा है लॉजिकल वेन डायग्राम। जल्दी बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आ रही है कि नहीं? आरती यस सर, ऋचा यस, ठीक 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 संध्या मानना, हाँ बिल्कुल सही बात है दीपक, ठीक आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, और याद रखना फिर से लास्ट क्लास में मैं रिलेशन वाली क्लास लूंगा, वो क्लास मिस मत करना वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और सेशन अच्छा लगा करे तो जरा शेयर भी कर दिया करो, अच्छा लगे तो हमें मत बताया करो, बहुत अच्छा है, उनको बताओ जिनको जरूरत है इस चीज की। चलो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जवाब देना शुरू करो। समझ गया सर, ठीक हाँ भाई, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी देखना जब मैं लॉजिकल पढ़ाऊंगा तो भी मैं आप लोगों को सारी बातें समझाऊंगा, ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें यहां से बनी है, मतलब बिल्कुल 100% आपका टॉपिक क्लियर होगा, इस चीज को लेकर बिल्कुल चिंताग्रस्त हो ही मत, मीन्स डोंट वरी एट ऑल अंग्रेजी में बोले तो। लाइक एंड शेयर सो फास्ट, बिल्कुल सही बात भाई, इनकी बात मानो। आरती सर कितने टाइम क्लास लगेगी? क्लास में बता देता हूँ आपको, 2.5 से 3 एफ कैट या डिफेंस का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती हो, एंड 5 to 6 उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, आप लोग तो खैर नए हो इसमें, मैक्सिमम लोग जो पुराने हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो एग्जाम संबंधित नहीं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग संबंधित पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ना हो आप ले सकते हो उस चीज को। ठीक है भैया, पंकज टाइमिंग मेरे हाथ में नहीं होती है। चलो इसका आंसर देना शुरू करो जितना जल्दी दे पाओ। हमें यहां पे दे रखा है रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन्स में हमें क्या करना है, संबंध दर्शाना है, हमें इनकी रिलेशनशिप दिखानी है, रिप्रेजेंट करनी है, एंड ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। एंड क्योंकि वेन डायग्राम यहां पर है तो हर जगह आपको सर्कल 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 ही दिख रहे होंगे। ठीक, सो आंसर जल्दी करो, जितना जल्दी कर पाओ उतना जल्दी करो। देखो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, कम से कम 3 लाइनें हों, कम से कम 3 एंगल हों, लेकिन ये कम से कम है, ज्यादा ही हो इससे। ठीक है, आप बहुत गहराई से पढ़ाते हैं सर, इसलिए आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है दीपक, थैंक यू भाई। ठीक है, तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 3 एंगल हो, 3 लाइन हो, लेकिन इससे ज्यादा ही हो, ये भी लिखा रहता ब्रैकेट में। ठीक है भैया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, 4 भुजाधारी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया, 4 भुजाधारी। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस की। चलो अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो पॉलीगन हम एक इस तरीके से बनाएंगे, पॉलीगन बनाने के बाद अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका रोम्बस। ये बात क्लियर हुई, साउंड में थोड़ा डिविएशन आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन आई होप ये आप बर्दाश्त कर लोगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बताना भाई क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताना जरा क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बताना क्या होगा। थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम आ रही होगी, आई होप आप ये बेयर कर लोगे। चलो भाई जल्दी से आंसर दो, क्या हो रहा है यहां पे, हमें क्या दिखाना है? ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, क्या आंसर होगा? देखो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड से क्या आप समझते हो? इंटेलिजेंस क्या होती है कि किसी भी चीज को आप कितने वर्सेटाइल तरीके से देख सकते हो, क्लियर हुई बात? और एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, क्या आप उनका उस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमको ये दो चीजें, ये दो क्वालिटी हमको ऐसी लग रही हैं जो एक साथ ही डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर? हमारे माइंड के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी माइंड के ऊपर नहीं डिपेंड करती। ऑनेस्टी कहां डिपेंड करती? दिल के ऊपर। क्लियर हुई बात? तो क्या हुआ ऑनेस्टी, अब इसके ऊपर भी कुछ बातें हैं लेकिन वो बातें अभी हम करेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये छोटा सा एक क्वेश्चन अगर हम लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस आपका एक दूसरे के अंदर आएंगे और ऑनेस्टी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनों ने दिया है जरा देखें। सोनू, तान्या, नीतू, धनवीर एंड विष्णु कुमार, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर टू जरा करो। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा बताना जरा। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट, राइस, व्हीट और ग्रेन। राइस, व्हीट और ग्रेन, जल्दी से आंसर दो क्या होगा? राइस, व्हीट और ग्रेन, सर एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं? ये किसने सवाल ये पूछा है? साउथ देवास एस मूवी, भाई नाम यार थोड़ा सही लिखा करो। बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो, बशर्ते आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप टाइम, अपनी ट्रेनिंग पूरी करोगे, ट्रेनिंग के बाद अगले दिन की ट्रेनिंग होती है, फौज में ऐसे भी 7 दिन का शेड्यूल पहले ही आपको मिल जाता है, तो थोड़ा गलत ट्रैक पे हो। अगर आईएससी बनना है तो आई होप कि आप कोई टीचर या लेक्चरर की जॉब करो। और फिर एयरफोर्स का अपना इतना रौला होता है, वहां जाने के बाद तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर आते हैं जल्दी से, समय को ना करे, व्यर्थ ना करे। राइस, ग्रेन, व्हीट, ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो आसान है उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसको मैं ऐसे ही बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन करते हैं, और आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है ब्रिंजल मीट वेजिटेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। प्रीवियस ईयर है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। ब्रिंजल मीट वेजिटेबल, वेजिटेबल के अंदर ब्रिंजल को डालो, मांस अलग कर दो, खत्म काम। तो ऐसा कुछ हमें कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमें ऐसा दिख रहा है। पांचवें का ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? पांचवें का ऑप्शन नंबर हो गया सी। पहली क्लास है, क्वेश्चन थोड़े से वैसे हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, वेन डायग्राम के टोटल 3 क्लासेस लूंगा, ये पहली है, कल दूसरी, और तीसरी में बोला था रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशन का एक क्वेश्चन इसमें भी डाला है अभी, उसमें भी दिमाग लगाना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आ गया रिलेशन का क्वेश्चन, दिमाग लगाओ जल्दी से। सी जितने भी लोग बोल रहे हैं सही है। विष्णु भाई, डी नहीं होगा आंसर, सी होगा, धर्मवीर और चंद्रवीर सिंह, बिल्कुल सही। साउथ देवास मूवी, सीएचएसएल बेस्ट होगा यूपीएससी की तैयारी के लिए। अरे यार साउथ भाई, अगर तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी तो पहले ही यूपीएससी की तैयारी करो ना। ये सीएचएसएल बेस्ट होगा मतलब मैं समझा नहीं ये चीज। अगर आपको एग्जैगरेशन आ रही है इन सब चीजों की तो आप डायरेक्टली उसी चीज के ऊपर आइए ना। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं थोड़ी ना कहूंगा कि पहले पुलिस बन जाऊं फिर डॉक्टर बनूं। अगर आपको जॉब की इतनी ज्यादा नीड है तो ठीक है, सीएचएसएल आप करिए, कोई कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन काम करना पड़ता है, ये सरकार काम करने वाली है, इसमें काम आपको करना पड़ेगा। उस काम से अगर आप टाइम निकालो तब आप आगे सोचो। क्वेश्चन नंबर छह का आंसर, अच्छा कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, ठीक है यही बात है, मैं जानता हूं ना इसी में आप लोग फंसोगे, और हमें अच्छा भी लगता है कि थोड़ा बहुत फंसो, तभी तो फायदा हमारे यहां सिखाने का, क्या फायदा है। देखो भैया यहां पे सिंपल सी एक बात कह रहा है, वुमन, मदर, विडो, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात और तुम्हें बता दूं,
ये रिलेशनशिप वाला मैं बोलता हूँ टफ है, लेकिन अगर तुमने अपने कान और से दिमाग को भी जोड़ दिया, सुन लिया, दिमाग तक पहुंचा दिया, स्टोर कर लिया कंट्रोल एस दबा के, तो यहीं पर रिलेशन क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। हम बात करते हैं किसकी, वूमेन की, मदर की, और किसकी भैया, ये क्या है हमारा, विडो। ऐसी आशा करता हूं कि आप इन तीनों के मतलब जानते होंगे। वुमेन मतलब होता है महिला, मदर का मतलब होता है माँ, और विडो का मतलब होता है विधवा। ठीक है, आई होप इधर क्लियर नहीं दिख रहा होगा यार, इधर लिखे दे रहा हूं, इधर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, वुमेन, मदर और विडो, इन तीनों का मतलब आप जानते हो। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास नंबर 3 में देखना, अभी इधर ध्यान से सुनो। ठीक है, चलो सी 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 आंसर ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो इधर, इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा रिश्ता है, ये हमारा जेंडर है, और ये मान करके चलो ये एक उपाधि है जो दुर्भाग्यशाली महिलाओं को दी जाती है जिनके पति नहीं होते इस दुनिया में। ठीक है भाई, इतना मानते हो तुम सब, हाँ बोलते जा, मन में हाँ बोलो, लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत लिखो। अगर मैं बात करूं वुमेन की, तो आपने इतना जानते हो कि किसी ने ये नहीं आज तक चिल्ला करके बोला होगा कि मेरी माँ एक पुरुष है, नहीं, किसी ने ये आज तक नहीं बोला होगा कि वो देखो वो जा रहा है और वो विधवा है, नहीं ना। मींस विडो इज ऑल्सो अ वुमेन, मदर इज ऑल्सो अ वुमेन होना पड़ेगा, ये तो मानते हो ना तुम सब। ठीक है भैया, मानते हो, अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे बड़ा गोला बना दिया यहां पे, किसका, वुमेन का। क्यों, क्योंकि हमें पता है जितनी भी मदर है सब वुमेन होंगी, जितनी भी विडो है सब वुमेन होंगी, विधवा पुरुष नहीं होते, विडो मेन नहीं होते हैं, मेन के लिए कुछ और टाइटल है, इतने समय याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो कमेंट करके बता दो। चलो आगे देखो, तो वुमेन तो हमारा खत्म हो गया यहां पे, अब बचता है मदर, सारी की सारी मदर क्या होंगी, वुमेन होंगी, विडो नहीं होंगी, सारी की सारी मदर क्या होंगी, वुमेन होंगी, मानते हो ये बात, हाँ बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, यही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर देखो इधर, अगर मैं विडो की बात करूं तो हमें पता है सारी की सारी विडो क्या है, वुमेन तो होंगी। अब एक बात सुनो, क्या सारी की सारी विडो मदर होंगी, नहीं, सारी की सारी विडो मदर होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। क्या कुछ मदर विडो हो सकती है, हाँ हो सकती है, सही बात है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, वो विडो थी, क्योंकि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो क्या इसका मतलब दुनिया में जितनों की भी ग्रैंड मदर होंगी सब विडो होंगी, ऐसा नहीं है। जबकि जो मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, तो मैं उनको ये नहीं कह सकता हूं, मैं कभी कहना भी नहीं चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड हैं जिनकी मदर क्या है, विडो है, लेकिन वो कुछ है ना, सारे तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि विडो जो है वो मदर होंगी, लेकिन सारी की सारी मदर नहीं होंगी, कुछ मदर क्या होंगी, विडो, लेकिन सारी की सारी विडो भी वुमेन होंगी, सारी की सारी मदर भी वुमेन होंगी, ऐसा कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, बोलो, ऐसा हमें सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो गया सही। तो ये अभी मैं 18 साल का, हाँ ठीक है भाई, आपकी मंशा तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन लग जाओ तैयारी करने में। देखो एक बात मैं आप लोगों से ही बोलना चाहता हूँ, समय है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दूँ तब बोलूँ, ताकि आप लोग ये करते रहो, मैं अपनी बात करता रहूँ। एक बात ध्यान रखना, और ये बहुत कायदे से सुन लो सभी के सभी लोग, हमने करेक्ट आंसर दिया था सबसे पहले, ठीक है भाई अब्दुल, वेरी गुड, ठीक ठीक वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया ना, बस ये मेन, अभी कोई नहीं भी आया हो क्लास नंबर 3 में कराऊंगा। एक बात सुन लो जरा बहुत, अगर आप लोग किसी छोटे स्तर की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, इस टाइप की कर रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़े पद नहीं होते हैं। इनमें क्या करना है, आपको 6 महीना देना, ध्यान से सुन लो, 6 महीना देना, जो बहुत सारे लोग कल शाम की क्लास में पूछ रहे थे, रिलेशनशिप समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, और रियल लाइफ में, रियल लाइफ के तो नहीं सॉल्व कर सकता हूँ अब्दुल भाई, क्वेश्चन के तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, रियल लाइफ के आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। 6 महीना अपने आप को दो, 6 महीने में जितना सिलेबस है अच्छी तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल ग्रैप्स कर लो सारी चीज़ें। ये नहीं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम एक फला फला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे आए, तीसरे टॉपिक पे आए, चौथे पे आए, तब तक पहला भूल गए, फिर पहला पढ़ रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, इतने हुनर वाले लोग हैं, लेकिन जब उनको कोई टॉपिक पढ़ाओ तो वो बिल्कुल वैसी शिद्दत से पढ़ते हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। नाउन कई बार लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ो तो बिल्कुल ऐसे ही यूं करके देखते हैं, ऐसा लगता है पहली बार नाउन पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मत करो, बहुत बड़े एग्जाम की आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, सालों साल मत लगा दो, एक साल इज मोर देन इनफ,
तैयार हो जाओ, करके दो, तैयारी पूरा भारत कर रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जल्दी से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल प्रोफेसर मैन, अब्दुल देखो ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, ये इस तरीके से नहीं बताई जा सकती कि कितना टाइम आपको देना है, कैसे क्या करना है, और हर एग्ज़ाम की अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। कभी कोई ऐसा सेशन अगर मुझे मिला तो मैं लूँगा और फिर मैं उसमें डीप में आपसे बात करूँगा। पंकज एनी टाइम 6 बजे के बाद। चलो 7 का ए आंसर दिया है नीतू ने, पप्पू ने ए आंसर दिया है, मुकुल ने डी दिया है, राहुल ने ए दिया है, नीतू ने ए दिया है, साइन ए दिया है, ऋचा वर्मा ने सी बोला है। 7 का, 7 क्या दिखा रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल प्रोफेसर और मैन, प्रिंसिपल प्रोफेसर और मैन, प्रिंसिपल प्रोफेसर और मैन। चलो एक बात बताओ, अब मैं तुमसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, अपने मन में हाँ या ना बोलना, लिखना मत, लिखने में और यहां तक आने में टाइम लगता है। सिंपल सी बात सुनना, तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल होंगे, हाँ, क्या वो सारे के सारे मेन हैं? सारे के सारे मतलब जितनों के भी अभी मैं बात कर रहा हूं, प्लस पूरे इंडिया के, प्लस पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रिंसिपल हैं, क्या गारंटी ले सकते हो वो मेन है? तुम कहोगे नहीं, गारंटी नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे, कुछ ऐसे महिला विद्यालय भी होंगे, कुछ ऐसे वुमेन्स कॉलेज भी होंगे, या कुछ ऐसे लेडी कॉलेज भी होंगे, श्रीराम लेडी कॉलेज से बात याद आ गई, जहां के प्रिंसिपल लेडीज होंगी, वुमेन्स होंगी, लेकिन मैन नहीं होंगे, हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि मैं सिंपल सी एक बात कहने का हकदार हूं कि मैंने मैन को प्रिंसिपल तो होते हुए देखा है, लेकिन सारे मैन को प्रिंसिपल होते हुए नहीं देखा, कुछ मैन को प्रिंसिपल होते हुए देखा है। मानते हो ये बात? बिल्कुल सही बात है। अब्दुल ने बोला सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें तो हमने एक तरीके से देख ली। अब अगर मैं प्रोफेसर की बात करूं, प्रोफेसर की, तो मैं मानता हूं कि मेरी जो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी वो लेडी थी, लेकिन मेरे हिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे वो मेन थे। तो इसका मतलब मैं ये भी मानता हूं कि कुछ मेन जो है वो प्रोफेसर होते हैं, सारे मेन प्रोफेसर नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने मान लो इस तरीके से कुछ किया, मान लो भी ये प्रोफेसर हो गया, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने भी लाइफ में मेरे प्रिंसिपल से इंटरेक्शंस हुए हैं, या मैंने प्रिंसिपल बनने का कोई भी अगर क्राइटेरिया देखा हो, तो मैंने वहां पर एक चीज देखी थी कि ज्यादातर प्रिंसिपल प्रोफेसर ही होते हैं, लेकिन सारे प्रिंसिपल प्रोफेसर नहीं होते हैं। ज्यादातर मतलब मैक्सिमम मैंने ये चीजें देखी थी कि प्रिंसिपल जो होते हैं, एट मोस्ट टाइम मैंने देखा कि वो प्रोफेसर ही होते हैं, लेकिन 100% इस बात की गारंटी भी मैं नहीं ले सकता था कि वो प्रोफेसर हों। हो सकता है वो किसी सरकारी कॉलेज में, जहां पे मतलब बहुत बड़े बड़े वो मांगते हैं, वहां से तो डायरेक्ट प्रमोट हो करके आते हैं। तो मैं यहां पे ये चीज कह सकता हूं कि मैंने कुछ प्रोफेसर भी ऐसे देखे हैं जो प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रोफेसर भी ऐसे देखे हैं जो मैन हैं, लेकिन सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल हों ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्लियर हुई बात? तो जितनों ने भी इसका आंसर ए दिया है, 100% बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। चलो बस दो क्वेश्चन और उसके बाद आज की क्लास खत्म। प्लीज गाइड मी सर, आई एम वेरी कंफ्यूजिंग कि मेरा वर्क डिसीजन की वजह से मेरा यूपीएससी ड्रीम टूट ना जाए। भाई वो ड्रीम ही क्या जो आपका टूट जाए? ठीक है सर, आज से एफ कैट की क्लास शुरू हुई है। नहीं, कल इंट्रोडक्शन था, कल की क्लास मिस कर दी तो उसमें स्क्रॉल डाउन करके देख लेना। ठीक है, और ये पहले आप अपना नाम बताओ, ये इतना नम्मा नाम लेने में ही 10 मिनट निकल जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा जल्दी से दो, जहां पे है फ्रेंड गाइड और फिलोसफर, फ्रेंड गाइड और फिलोसफर, फ्रेंड गाइड और फिलोसफर, क्वेश्चन नंबर 8। भाई तुम्हारे कुछ फ्रेंड गाइड भी हो सकते हैं, तुम्हारे कुछ गाइड फ्रेंड भी हो सकते हैं, तुम्हारे कुछ फ्रेंड फिलोसफर भी हो सकते हैं, है ना? जवाब दो जल्दी से।
रोहित शुक्ला, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी, मेरा फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा, तो आशा करता हूँ नीतू आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सी सी सी, आठवें का सी, बिल्कुल सही। देखो इधर कैसे, कुछ फ्रेंड क्या होते हैं, गाइड होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड फिलोसफर भी हो सकते हैं, कुछ गाइड फिलोसफर भी हो सकते हैं। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड फिलोसफर भी हो सकते हैं, कुछ गाइड फिलोसफर भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरा दोस्त भी हो, गाइड भी हो, फिलोसफर भी हो। भाई मेरे लिए वो गाइड है, लेकिन अगर वो कहीं कोई अपना आर्टिकल बेच रहा है तो वो तो ऐसा फिलोसफर ही बेचेगा अगर उसने फिलोसफी में कोर्स कर रखा होगा तो। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहां पे एक बात मैं और रिमाइंड कराना चाहूंगा, मुझे याद दिला देना, क्लास नंबर 3 जब होगी तो मैं इस टाइप के वेन डायग्राम के ऊपर आपको एक चीज बताऊंगा, वो चीज लिख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बताना भी भूल गया, सुन लो इधर, अगर मैं ये बात बताना ही भूल गया, इस टाइप के वेन डायग्राम में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे इससे पहला वाला था, ये वाला था, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में एक दो बातें हैं, वो तुम देख लोगे तो ये देखते ही सीधे आंसर दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले सीखो, पहले समझो, अपने दिमाग का उपयोग करो। चलो, लास्ट की दो क्लासे और दो क्वेश्चन और हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर, मदर, फीमेल। अच्छा, इन्होंने पहले ही आपको वेन डायग्राम दे रखा है और आपको बताना है कि ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर। भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, तो कोई बात नहीं, टाइम को टेक करो और जल्दी से आंसर दो। और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया शेयर करो इसको, लाइक तो खैर आप लोग कर ही देते हो, कमेंट भी करो अच्छे वाले। क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। अब तो मैं आ गया सर, अब सारे आंसर सही हो रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की। अच्छा भाई, चलो कोई नहीं, आप ही जैसे लोगों के लिए कल हम क्वेश्चन बना करके लाएंगे। शिव कुमार, अच्छी बात है भाई। सी आंसर धर्मेंद्र, समझ में नहीं आ रहा। धर्मेंद्र क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने आपको वेन डायग्राम यू बना करके दे दिया, अब उसने आपको ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, आपको बताना है कि इनमें से किसका ये वेन डायग्राम है, बस इतना सा है ये क्वेश्चन। चलो आंसर दो। गरिमा, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स दैट हु टीचेस यू, द ओनली थिंग मैटर दैट व्हाट आई एम टीचिंग यू आर गेटिंग इट, और वो भी 100%, दैट्स एनफ फॉर मी एंड यू ऑल्सो। चलो भाई बताओ इसका, डॉक्टर, मदर, फीमेल। ये डॉक्टर मदर फीमेल का तो है नहीं, सीधे काटो इसको। गर्ल चिल्ड्रन पर्सन का है, गर्ल चिल्ड्रन पर्सन। अच्छा, लोग जवाब दे रहे हैं सी और ए, गर्ल चिल्ड्रन पर्सन का भी ये नहीं है। अब इधर देखो ये किसका है, कारपेंटर डॉक्टर मेल, कारपेंटर डॉक्टर मेल, क्योंकि मेल यहां पर आया इसलिए मेल को बीच में रखेंगे। हमने अपनी लाइफ में कुछ मेल कारपेंटर भी देखे, हमने अपनी लाइफ में कुछ मेल डॉक्टर भी देखे, बिल्कुल सही इसका आंसर सी होगा। कल डिफिकल्ट क्वेश्चन लाई, बिल्कुल सही बात है अब्दुल भाई, कल डिफिकल्टी लाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को एंड अप करते हैं। वीनस प्लैनेट और सन, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन तीन बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये तो देखते ही कर सकते हैं आदमी, जल्दी से जवाब दो क्या होगा इसका आंसर। वीनस प्लैनेट सन, वीनस प्लैनेट सन, यानी कि शुक्र ग्रह, ग्रह और सूर्यदेव, जल्दी से जवाब दो क्या होगा इसका आंसर। याद रखना सन को हम प्लैनेट में कंसिडर नहीं करते हैं, तो एक सर्कल तो हमारा बाहर ही रहेगा, वीनस हमारा प्लैनेट है, और क्योंकि प्लैनेट है तो प्लैनेट के अंदर तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहीं देखने पे मिल रहा है, बिल्कुल सही, हमको बी पे ये देखने को मिल रहा है, दैट इज अवर आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप कि ये वेन डायग्राम की जो बात मैंने करी वो आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जुड़ो, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो मैं समझाऊँ, उसको हटा ही दें यार ये, अभी तो और आ गया। चलो तो आई थिंक क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं, अब कुछ है टेक्निकल प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक द सेशन, सो थैंक्स अ लॉट।